पुलिस चौकी खवास में इतला दी कि कुछ आतंकी देखे गए हैं गुंडा नाम का गांव है, तो तकरीबन वहां से करीब एक घंटे का सफर है, वहां से देखे गए। इस इतला को मिलते ही फौरी तौर पर चौकी अफसर और उसकी जो टीम वहां मौजूद थी एसओजी की वहां पर उनके साथ उस इलाके की तरफ निकल पड़े। साथ ही साथ उन्होंने फौज जो नियर बाय आरा की यूनिट है उनको इतला दी और वो भी अपने कैंप से निकल पड़े। इलाके की घेराबंदी की गई और जब घेराबंदी की जा रही थी तो वहां पर जो आतंकी छुपे थे उन्होंने एसओजी पे हमला किया, फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया। सभी फोर्सेस ने जो कि आर्मी पुलिस सीआरपीएफ सभी वहां जो मौजूद थी सबने मिलकर इसका जवाब दिया और जवाबी हमले में एक आतंकी मारा गया। इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है लेकिन जो इसके बिलोंगिंग्स हैं उससे यह अंदाजा लगता है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। शूज इसके पाकिस्तानी हैं, कुछ मेडिसिन जो बरामद हुए एसओएस मेडिसिन वो भी पाकिस्तानी मार्किट के हैं, जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी थे। अभी एनकाउंटर जारी है और जब पुलिस पूरे इलाके की छानबीन कर रही है एक और आतंकी की होने की आशंका है। उसके बैग को बरामद कर लिया गया है और उसमें भी काफी कुछ असला एम्यूनिशन मिला है। अभी एनकाउंटर चल रहा है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि दूसरे को भी ढूंढ लिया जाएगा। जो रिकवरीज हुई है अभी तक उसमें एक AK-47 राइफल, दो पिस्टल, मैगजीन्स, काफी तादाद में एम्यूनिशन, कुछ कैश बरामद हुआ है, कुछ खाने पीने का सामान, एसओएस इंजेक्शंस, कुछ तरपाल, रेनकोट्स। ऐसा लगता है कि वो जंगल के इलाके में सर्वाइव करने का सारा साजो सामान उनके पास था। ऑपरेशन जारी है, बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि दूसरे साथी जो इसके आतंकी के साथी को भी